गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी। आज हम जाने वाले हैं चेस्ट ट्रेन करने को। अभी मैंने अपना प्रोट्स का बोल बना के खा लिया है, सो लेट्स हेड टू द जिम। आज हम एक पीआर अटेम्प्ट करने वाले हैं। वो पीआर एज एन पीआर नहीं है, वो मैं पहले मार चुका हूँ। मैं पहले 35 और 40 के साथ प्रेस करता था डंबल प्रेस। आज फाइनली हमको 35 कुछ भी करके एटलीस्ट 6 रेप्स मारना है, सो लेट्स गो। तो जिम जाने से पहले मैं आपको अपने चेस्ट डे का गेम प्लान बता देता हूँ। अब मैं फिर से पूरा ये दो सेट करके एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी नो मैं क्या क्या करता हूँ। मैं 2-4-5 बार बोल चुका हूँ, फॉर एटलीस्ट टुडे मैं फिर से बताने नहीं वाला। मैं अभी एक काफ़ी सीरियस और ईगोइस्टिक मोड में हूँ। मुझे आज कुछ भी करके 35 पे इंक्लाइन प्रेस पे एटलीस्ट 7 या 6 रेप्स चाहिए। आई डोंट माइंड फॉर्म थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन जब से मैंने अग्रेसिव कट और ये सब के फालतू गिरी के चक्कर में पड़ा हूँ, तब से मेरी स्ट्रेंथ बहुत डिक्लाइन होते गई है। लेकिन अभी फाइनली आज मुझे कुछ भी करके 35 के साथ मारना है। ये एक बहुत अनयूजुअल टाइम है मेरे ट्रेन करने का। मैं यूजुअली ये टाइम पे ट्रेन नहीं करता हूँ। इट्स अराउंड 4:30 PM। आई एम अज्यूमिंग कि आज भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम शायद से वो 35 का या जो मेन सेट होगा उसको रॉ रख के बाकी पूरे ट्रेनिंग सेशन का एक मॉन्टाज बना के डाल सकते हैं। मैं आपको वो सब जिम में बता दूंगा। After 2 long months of being stuck on 30 kgs, finally 30s को छोड़ के 35s पे 8 रेप मारे। मैं 2 महीने से 30s पे बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से अटका हुआ था। कटिंग, अग्रेसिव कट, मेंटेनेंस सब कुछ करके मेरी स्ट्रेंथ की पूरी बात लग गई थी, बट आज फाइनली हमने 35s पे 8 रेप मारे। मैं 6 रेप के लिए मिनिमम सोच के आया था, हमारे से 7 गए और 8वें वाले पे सर ने सपोर्ट दिया। आई एम वे टू हैप्पी राइट नाउ बिकॉज फाइनली 30 का कर्स हमने तोड़ दिया है। अभी हम लोग बाकी के चेस्ट मूवमेंट्स पे मूव ऑन करते हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, सो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड एंड स्पीक मोर। सो अ सिक एडे ड्रॉपिंग इन 3, 2, 1। I saw you in the back of my show last night, standing underneath the exit sign. I know it wasn't really you though, 'cause you were always in the front row. And I've been looking for love online, and maybe some of them are real good guys. They're never gonna be like you though, you set the bar above the moon. So I don't wanna be 20-something and still in my head about 17 in my bedroom talking. You said that by now we'd paint the walls of our shared apartment. You're still everything I want, and I think we could work it out. So what are you doing now? Now that you finally got the job you like, I'm making money off the songs I write. I know you said that I could call you, I wonder if you wanna call too. Now that the future doesn't feel so far, it doesn't seem as wrong to want what's ours. And after everything that's happened, I wanna put it in the past tense. 'Cause I don't wanna be 20-something and still in my head about 17 in my bedroom talking. You said that by now we'd paint the walls of our shared apartment. You're still everything I want, and I think we could work. Yeah.
at about 17 in my bedroom talking. You said that by now we'd paint the walls of our shared apartment. You're still everything I want, and I think we could work it out. So what are you doing now? Out rating would be surely 10 on 10. आज मुझे 35 मार के inner happiness feel हुई. मैं पूरे जिम वर्कआउट में बस वही सोच रहा था कि फाइनली हमने 35 मार दिए अगेन. हम पुशिंग फॉरवर्ड 40s भी ट्राई करेंगे जब तक हमारा मेंटेनेंस चल रहा है. आई होप 40s पे एटलीस्ट 5-6 रेप्स चले जाए हमारे कट के पहले. अभी हम ग्रोसरी रिस्टॉक करने जाते हैं, फिर मैं आपको घर पे मिलता हूँ. भैया इसमें रेड कलर का दे दो. सो गाइस डिनर टाइम. वैसे ये आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट और स्मॉल रहेगी. मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया आज. एक्चुअली ये वीडियो मेरा शूट करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बस एक अब्रप्टली प्लान बना. मेरे एक्चुअली क्लासेस आज ऑनलाइन थे, लेकिन मुझे क्लासेस के एक घंटे पहले मैसेज आया कि जो कि होता है द क्लासेस आर कैंसल ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज. सो आई डिसाइडेड कि मैं वाई नॉट यूज़ दिस टाइम एंड रिकॉर्ड. सो मैंने बस जिम में रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं घर आके मैंने शायद मील खाते हुए रिकॉर्ड किया है, आई डोंट रिमेंबर. अभी हम लोग डिनर का टाइम हो गया है. सो डिनर में हम लोग कंज्यूम करने वाले एक बहुत बड़ा मील, क्योंकि मैंने अपना सेकेंड मील स्किप कर दिया है प्रोट्स का बोल, लेकिन अब मैंने वो मिस कर दिया. सो अभी हमने डिनर के लिए लिया है 180 ग्राम्स ऑफ ओट्स और 200 ग्राम्स ऑफ पनीर. मैंने पनीर को रोस्ट किया है और उसके बाद मैं एक स्कूप वे प्रोटीन का लूँगा. सो मैं आपको मील दिखा देता हूँ. ये है 180 ग्राम्स ऑफ ओट्स. मैंने इतना कभी खाया नहीं है, लेकिन अब मुझे कैलोरीज कंप्लीट करने से तो आई हैड टू ईट एनीवेज. सो आई नो इस वीडियो में उतना कुछ कंटेंट नहीं है, बट फॉर श्योर अगले वीडियो में हम ढंग से पूरे दिन का सब कुछ शूट करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, दिल से अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदियो.